अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाज़रीन, हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल केस किसको कहा जाता है, आपको तारीख के और आग को पलट के पीछे लेके जाता हूँ। आप ये देखें कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाला और गरीबों की आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार पर लटका दिया गया। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन के नफाज का इरादा रखने वाला एक आर्मी का जर्नैल जो इस मुल्क के ऊपर काफ़ी देर हुकूमत कर गया, सदर ज़ियाउल हक शहीद, आप देखें कि उसको तालिबानाइजेशन और इस्लामी कवानीन के नफाज पर जो है ना सजा के तौर पे शहीद कर दिया गया, उसके तैयारे पे अटैक किया गया। पाकिस्तान की तारीख की ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है ना किस बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, जबकि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करके पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे आके अपनी इलेक्शन कम्पेन का आगाज़ कर चुकी थी। उसके बाद नादरी आप ये देखें, नवाब अकबर भुगटी जो बलूचिस्तान की इतनी ताकतवर शख्सियत थी और कई वजारतों उस शख्स के पास रह चुकी हैं, उस शख्स को जो है ना एक पुलिस मुकाबले, मुशबा पुलिस मुकाबले मैं तो कहूँगा, उसको भी कैफरे किरदार पर पहुँचा दिया गया या उसको शहीद कर दिया गया या कत्ल कर दिया गया, जैसे आप मुनासिब समझें। उसके बाद नाज़रीन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना मीडिया की गलत रिपोर्टिंग की वजह से मैं ये कहूँगा, सानेहा लाल मस्जिद जैसा जो है ना इतना बड़ा सानेहा जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शोहरत पे सवालिया निशान लगा दिया, इसके पीछे की अगर आप मुहरकात देखें तो लाल मस्जिद का जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, ये सुबह का टाइम था, मैंने टी वी पर देखा कि मीडिया ने इस तरह की जो है ना गलत रिपोर्टिंग की। पहले इन्होंने कहा है कि जी ख्वातीन वहाँ से निकलती हैं और शहर के अंदर आकर जो वीडियो सेंटर, जो तस्वीर की दुकानें हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें जो बुराई को प्रमोट करने वाली हैं उनको डंडे के जोर पे बंद करवाया। ये जो रिपोर्टिंग थी इसमें उन्होंने अदारों के ऊपर उंगलियाँ उठाई और कहा क्या ये इलाका गैर है, क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं। तो फिर आपको पता है कि हुकूमत जो है ना रियासत के साथ कोई बंदा भी सिंह नहीं फंसा सकता। फिर क्या हुआ, लाल मस्जिद का जो है इतना बड़ा वाकया हो गया और इसके पीछे जो है ना अदारों में हरकत में आके जो है ना जाहिर है उसमें कई बेगुनाह भी मारे गए होंगे और रिपोर्टिंग बाद में ये की गई कि वहाँ पे जो है इस तरह के बम चलाए गए हैं, वहाँ पे इस तरह के जो है धमाके अंदर किए गए, इस तरह का जो मटीरियल धमाका खेज इस्तेमाल किया गया जिसने लाशों को जो है ना पिघला दिया, यानी कि डेड बॉडियाँ भी वहाँ से नहीं मिली, ये मीडिया की रिपोर्टिंग थी। उसके बाद नाज़रीन आप ये देखें, मुर्तज़ा भुट्टो को जो है पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उसके बाद आप गवर्नर पंजाब जो थे सलमान तसीर, उनको कत्ल कर दिया गया। और नाज़रीन आप एक चीज़ और नोट करें कि आपको याद होगा तैयारा हाईजैकिंग केस जो था ना, ये मियां नवाज शरीफ पे ये केस बना था और इस केस में जो है ना उन्होंने ये वाजह तौर पे एक एफ आई आर में लिखा था कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ थे ना, इन्होंने उस तैयारे को जिसमें हमारी पाक आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वह सवार थे, उस तैयारे को पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए रोक दिया गया और उनको पाबंद कर दिया गया किसी भी सूरत हाल में जो है ना इस तैयारे को पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड ना किया जाए। बल्कि उन्होंने कहा कि तैयारे के अंदर जो पायलट था उसको कहा गया कि तुम किसी भी तरीके से इसको मुल्क से बाहर ले जाओ, श्रीलंका या इंडिया जाके इसको लैंड कर लो, पाकिस्तान के अंदर इसके लैंड की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी एक अलमिया था, उसके अंदर फ्यूल भी कम था। और आप ये देखें कि हमारी आर्मी, पाक आर्मी, पाक फौज जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत दिफाही अदारा है यार, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उतरने का हुक्म ही नहीं दिया गया। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको पाकिस्तान के अंदर लैंड होने दें, उसका ट्रायल करें, लेकिन ये तरीका करें, ये भी कलमिया था। उसके बाद नाज़रीन आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ही उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रातों रात पीटीवी पे, पाकिस्तान रेडियो पे और तमाम टेलीविज़न जो जितने भी स्टेशन थे उन पर कब्जा करके पूरे मुल्क पर जो है ना एमरजेंसी का नफाज कर दिया, मैं तो उसे एमरजेंसी कहूँगा, और किस तरह से वो रातों रात जो है ना सारे मुल्क की काया को पलट के रख दिया। उन ताकतवर सियासतदानों को जो है ना मुल्क से जलावतन कर दिया गया, उनकी सियासत पे और बयानबाजी पे पाबंदी आयद कर दी गई और एक माहदे के तहत उनको बाहर जाने दिया गया। और अभी कुछ अर्सा पहले आप ये देखें कि लोग कहते थे कि एक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के तीन दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके थे और बड़ी ताकतवर शख्सियत थी, वो किस तरह से मीडिया की गलत रिपोर्टिंग की वजह से इतनी ताकतवर हुकूमत के हाथों से फिसल कर वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए। अभी भी वो हमारी हुकूमत पीट रही है, दो दो हाथ वो अपने सर पे मार के वो पछता रहे हैं कि हमने क्यों मीडिया की रिपोर्टिंग पे ध्यान दिया, किस तरह से वो टीवी पे खबरें चल रही हैं कि पता नहीं पाँच मिनट के बाद क्या हो जाएगा। तो ये इतने इतने बड़े वाकया जो है ना ये हमारे पाकिस्तान के अंदर सरजद हुए हैं और आप सब लोगों ने इनकी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, टीवी पर भी आपने देखा होगा, अखबारात में भी पढ़ा होगा। तो आप ये देखें कि आज सोशल मीडिया जो है
इसने इतनी अवेयरनेस और इतना इसका जो नेटवर्क है वो इतना वसी हो चुका हुआ है कि कोई भी खबर जो है ना 2 मिनट के बाद वायरल हो जाती है और आपको हर खबर का पता लग जाता है। इसको कहते हैं हर खबर पे बर वक्त नजर। नाज़रीन आप ये देखें कि कितने सीनियर साफी हसनैन शाह का जो है ना दिन दहाड़े लाहौर शहर के अंदर सेफ सिटी कैमरों के बावजूद इनकी परवाह ना करते हुए इसको कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन मैं अभी फिलहाल चूंकि ये केस जो है ना अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हमारे अदारे जो हैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, काफ़ी सारे अफराद को उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है और उनसे उनके बयानात को कलमबंद किया जा रहा है और असल हकायक तक पहुंचने के लिए जो है ना पुलिस हर जो है चैनल को हर फोरम को इस्तेमाल कर रही है। चूँकि मैं मीडिया का कोई एंकर तो हूँ नहीं, कोई जर्नलिस्ट या साफ़ी तो हूँ नहीं, तो मैंने तो अपना चैनल जो है वो हकायक को आपके सामने रखने के लिए जिनके बारे में मेरे पास सबूत मौजूद हो मैंने इसलिए ये प्लेटफॉर्म अपना जो है ना मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है और मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं रिपोर्टर और साफ़ी बरादरी से थोड़ा हट के जो है ना वो बात आपके सामने रखूँ जो हालात मेरी नज़र से गुजर रहे हैं या जो मेरा सबका ज़िंदगी का जो तजर्बा है मुझे उसकी रोशनी में जो शवाहिद या जो चीज़ें मजबूत नज़र आती हैं मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन हसनैन शाह का जो है ना मैं मर्डर पर बड़ी ज़बरदस्त इसकी मजम्मत करता हूँ कि एक साफ़ी जो है वो तो कलम के साथ जो है वो अपने बात को जो है अवानों तक पहुंचाता है और अदारे उसकी बातों पे एक्शन भी लेते हैं। उसका दिन दहाड़े कत्ल जो है ना सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, दूसरा ये कि मैं मरहूम के लिए उसके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता हूँ, तीसरा ये कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आइंदा इस तरह का किसी भी साफ़ी के साथ इस तरह का वाकया ना हो। ये 3 बातें तो तयशुदा हैं जो मेरी नहीं इस कौम के हर पाकिस्तानी की ये जो है ना ख्वाहिश होगी कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना अदारे इतने मजबूत होने चाहिए कि मुजरम को उनका खौफ हो और मुजरम को ये पता हो या जो भी मुलजम है या जो भी शख्स इस तरह की वारदात करता है उसको अदारों का हमारे पाकिस्तानी अदारों का इतना खौफ होना चाहिए कि वो जुर्म से तौबा कर जाए, ना कि वो जुर्म को बिल्कुल एक ऐसे ही करे कि उसको पता होगा मुझे पकड़ने वाला ही कोई नहीं या वो अदारों को इतना कमज़ोर समझ ले। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ हमारे अदारे जो हैं वो हरकत में भी हैं और कमज़ोर भी नहीं हैं। बेशक इन अदारों के पास वसाइल कम है, हमारे अदारों के पास हमारी पुलिस के पास हर थाने के अंदर लोकेटर मौजूद नहीं, एक इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़लाँ जगह पर एक बंदा जो है ना वो बैठा हुआ है या मुजरम है या वो इश्तिहारी है या दहशतगर्द है तो उसकी लोकेशन लेने के लिए ना मेरी अज़खुद से ये जो है ना एक तैयार की एक रिपोर्ट है और मैं बड़ी कंफर्म आपको ये बात बताऊंगा डीआईजी ऑपरेशन को लिख के भेजते हैं तो डीआईजी ऑपरेशन साहब जो है ना वो फिर उनको लोकेटर जो है प्रोवाइड कर देते हैं। जब तक वो लोकेटर लेते हैं वो लोकेशन वाला बंदा ही वहाँ से गायब हो गया होता है। तो आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस नहीं है, उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल हैं और उनकी हर गाड़ी के अंदर लोकेटर मौजूद होता है, उनके पास जो है थंब इंप्रेशन के लिए गाड़ी के अंदर ही सारा सिस्टम मौजूद होता है, वो बंदे को पकड़ते हैं उसका हाथ लगवाते हैं उसका जो सीआरओ जो होती है उसकी क्रिमिनल जो उसका रिकॉर्ड होता है वो सारा सामने आ जाता है और वहीं पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी वसाइल की जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम किसी भी तरीके से जो है इनको फेस कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें नाज़रीन मैं सबसे पहले तो जो है ना अपने साफ़ी बरादरी जितनी भी है मैं इनको सल्यूट पेश करता हूँ, इनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कितना पुरअमन जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है। उन्होंने प्रेस क्लब पे जो है वो झंडा ब्लैक कलर का जो झंडा है बतौर एहतजाज उन्होंने वो लहरा दिया और उन्होंने कोई सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया, उन्होंने कोई टायर नहीं, कोई सड़कें ब्लॉक नहीं की, कोई लोगों को घरों से नहीं निकाला, कोई भी उन्होंने ऐसी 2 नंबरी नहीं की कि जिससे ये जाहिर हो कि पुलिस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। मैं सबसे पहले साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो है ना अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया और बड़ा खामोश और बड़ा पुरअमन जो है वह एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दूसरा मैं अपनी पुलिस को शाबाश देता हूं और अपनी पुलिस अफसरान को जो है ना इन्होंने जितनी खूबसूरती से इतने मुलजमान को गिरफ्तार किया और मेरे सुनने में यह है कि असल मुलजमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब नाज़रीन मैं ये रिपोर्टिंग तो सब करेंगे ना, सब जितने भी रिपोर्टर्स ज़ाहिर है उनकी बरादरी थी और मैं भी इन्हीं की बरादरी का हूँ, मैं भी अपने आप को एक बेशक मैं साफ़ी पेशे के अतबार से नहीं हूँ लेकिन काम तो मैं साफ़त का कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो हालात आप मेरी सानहा मीनारे पाकिस्तान जो हुआ था मेरी उस पर रिपोर्टिंग चेक कर लेना, जो बातें मैंने कही हैं क्या वो दोबारा मंजरेआम पर नहीं आई, वही बातें जो मैंने की हैं आज सारी दुनिया उन बातों को तस्लीम कर रही है। मैंने वो जो पिंडी के अंदर वो जो एक उल्लू के कान ने जो है वो एक वीडियो वायरल की थी बेहूदगी की और उसका नाम पता नहीं इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो देखें उसके ऊपर मैंने जो रिपोर्टिंग की है, अब मेरी रिपोर्टिंग को मेरे प्रोग्राम्स को देख लें और मीडिया के तमाम चैनल को उनके साथ कंपैरिजन कर लें, मेरी रिपोर्टिंग 110% उसके ऊपर दुरुस्त थी। इसीलिए चूंकि मैं ये हसास मामला है मैं नहीं चाहता कि मेरे मुँह से निकला हुआ कोई ऐसा लफ्ज़ जो पुलिस की तफ्तीश को मशकूक कर दे
या अफवाहों का बाजार जो है ना शहर के अंदर गर्म हो जाए। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं वो हालातों वाकयात आपके सामने रखूं जो हकायक पर मबनी हों। पहले पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेशन कर ले, गिरफ्तार मुलजमान को जो है ज़िमनियों के अंदर सफ़ा मिसल पे ले आए, उनका जुर्म और उनका इकबाल के वो दौरान तफ्तीश पुलिस को क्या स्टेटमेंट देते हैं हसनैन शाह के कत्ल के मुतल्लिक, फिर जो भी वो मालूमात होंगी उनके ऊपर मैं आज खुद से अपनी राय आपके साथ शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में भी आपको मायूस नहीं करूँगा। हसनैन शाह जो था नाज़रीन, ये एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट था और निजी टीवी चैनल का एक रिपोर्टर था और इसका बड़ा असर और रसूख था। पुलिस वाले इसकी बड़ी इज्जत करते थे और ये बड़ा यानी कि बड़ा असर और रसूख वाला और प्रेस क्लब के अंदर बहुत अच्छी शोहरत का ये मालिक था। नाज़रीन आप ये देखें कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी, उसमें मैंने ये लिखा था कि मैं आपको ये बताऊँगा कि इस कत्ल के पीछे यानी बैकफुट पर क्या मुहरकात थी, क्या ऐसा काम उसने कर दिया, किस अंडरवर्ल्ड को उसने छेड़ दिया, या किसी से उसने बता ले लिया, या किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, या किसी की माँ बहन को घर से भगा के ले गया कि उसको कत्ल करना ही ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चूंकि बहुत ज़्यादा हसास पहलू है और मेरे मुँह से कोई भी निकला लफ्ज़ मकतूल के घर वालों को जो है उनके ज़ख्म को ना कुरेद दे, मेरे साफ़ी बरदरी में किसी का दिल ना टूट जाए, तो इंशाल्लाह ताला जो हकायक मेरे सामने आएंगे मैं मनो ऐन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नाजरीन मैं इस कत्ल की जो है ना ज़बरदस्त तरीके से मजम्मत करता हूं कि अगर ठीक है अगर उससे कोई गलती हो गई थी तो यार उसकी सज़ा मौत नहीं बनती थी, उसको एक दो फायर मार के डराया भी जा सकता था, ये ज़रूरी नहीं, वो तो पिस्टल उसके पास था ही नहीं। अगर आप ये कहें कि वो मसल्ला था और उसने आगे से क्रॉस फायरिंग की, चलो भी फिर तो ठीक है, इतना हमला बनता था, तो जिस बंदे के पास सिर्फ कलम के अलावा दूसरा आसरा कोई नहीं और खुदा की वो जो है ताकत के अलावा उसके पास दूसरी कुव्वत ही कोई नहीं जो उसकी उसको अपनी हिफाजत में रखे, तो उसके ऊपर इतना इतना ज़बरदस्त हमला कि उसको कत्ल ही कर दिया जाए, ये मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत अमल है और मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला पुलिस वाले इन तमाम अफराद की जो है गिरफ्तारियाँ डाल लें, पुलिस वाले असल मुलजमान को सफाए मिसल पे ले आएं। और जहर है कि सारे मीडिया के चैनल जो हैं आजकल तो सोशल मीडिया जो है ये सारे माशाल्लाह सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि ताज़ा गर्म गर्म खबर आए, जो खबर नहीं होती मेरी बरादरी के लोग उसको खबर बनाने की कोशिश करते हैं कि एक जो है ना कुत्ता बंदे का कान ले गया है। लोग ये साफी कहते हैं कि ये खबर नहीं है, खबर ये है कि बंदा कुत्ते का कान ले गया है, यानी कि इन्होंने खबर को मनफी रंग में ऊपर इन्होंने थंबनेल बनाना होता है, ऊपर हू हा लिख के ना लोगों की तवज्जो दे के इन्होंने अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ानी होती है। लेकिन नाजरीन मैं दिल की गहराई से आपसे आज ये एक अहद करता हूँ, मैं पहले वादा करता होता था ना, ये जो मैंने अपने प्रोग्राम के बारे में रेफरेंडम किया है ना, आज मैं आपसे अहद करने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल कोई बंद कर दे आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कतई तौर पर ये यूट्यूब की कमाई नहीं चाहिए। मैं पहले दिन से आपके आगे पिट रहा हूँ, रो रहा हूँ, मैं आपके आगे ये बारह दफ़ा आपको याद करवाता हूँ, बावर करवाता हूँ कि यार मैं पैसों को या शोहरत का भूखा बंदा नहीं हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत भी अल्लाह ने दी है, पैसा भी अल्लाह ने दिया है और आज एक अच्छी सोच और अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी खड़ा कर दिया है। मैं बड़ा बुरा शख्स था, मेरा माजी जो है बड़ा दागदार है, बड़े मेरे माजी के ऊपर सवालिया निशान है, लेकिन आप ये देखें यार कि मेरे से पहले जितने भी अफराद इस फील्ड के थे या उस फील्ड के थे वो कहाँ गए, अल्लाह ताला ने अपने पास उनको बुला लिया। हालांकि अल्लाह ताला ये कहते हैं, ये वाजिया हमारे उलमाए दीन भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला बुरे की रस्सी दराज करता है, तो यार अगर वो लोग बुरे थे तो अल्लाह ताला ने उनको पास क्यों बुला लिया। आप मुझे देखें ना, क्या मैं वो अल्लाह को मैं पसंद नहीं हूँ, या जो अफराद आज जिंदा हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हर इंसान को बारह दफ़ा उसकी इसलाह का मौका देता है, लेकिन हम लोग भटके होते हैं, शैतान हमें जो हर चीज़ नकद देता है, हम बुराई करते हैं, शैतान हमें इनाम के तौर पर ज़हनी तस्कीन नकद देता है। और जब हमें ये कहा जाता है कि आप अच्छे अमाल करोगे आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी, दूध के बागात, आपको जो मुंह से मांगेंगे वो मिलेगा, शहद की नदियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, तो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए जो है ना, हमें जब कहा जाता है ना कि आप मरेंगे तो आपको मिलेंगी, तो मरने के लिए वो तैयार ही नहीं। देखे ना ये कितनी बड़ी बात है। मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि अगर इंसान को पता लग जाए ना कि जब मेरी रूह कब्ज़ होनी है तो मुझे कितनी तकलीफ़ और कितनी मुझे जो है ना कितनी शिद्दत के साथ जो है ना मुझे वो झटका जो है मिलेगा, तो इंसान दुनिया पे आने से इनकार कर दे। लेकिन अगर इंसान को अपने अमाल के बारे में बशारत हो जाए, उसे ख्वाब में ये यकीन दहानी हो जाए कि मैं अगर मर जाऊँगा तो जन्नत मेरा इंतज़ार कर रही है, तो इंसान अपने आप को आग की जली हुई भट्टी के अंदर भी गिरा कर मौत को कबूल करने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको बशारत हो चुकी होगी। क्योंकि देखे ना नाज़रीन, मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ,
मुझे कोई अथेंटिक बंदा अगर ये गारंटी दे दे, और ये पता है आपको खुदा ने हर गायब चीज़ का इल्म अपने पास रखा हुआ है, तो मेरा अल्लाह ताला मेरे ऊपर किसी ना किसी बात पे ज़रूर खुश था या खुश है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया के अंदर ही, इस शैतानी दुनिया के अंदर जो शैतान की तरफ जो ज़्यादा गामजन लोग होते हैं, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस्लाह का मौका दे दिया। मैं आप लोगों से कभी मुनाफ़क़त नहीं करूँगा, मैं आप लोगों से कभी भी दो नंबरी नहीं करूँगा, और कभी भी हकायक को जो है ना आपके सामने मनो ऐन रखने के लिए डरूंगा नहीं। ये मेरी बात याद रखिएगा। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हसनैन शाह जो रिपोर्टर था, इसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएं। अल्लाह ताला इस मरहूम के जितने भी सगीरा या कबीरा गुनाह थे, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे, और जितने भी मुलजमान जिन्होंने ये अटैम्प्ट किया है, जिन्होंने ये जुर्म सरजद किया है, और शहर के अंदर और मीडिया के अंदर एक खौफ का जो बादल है वो मंडलाना शुरू कर गया है, अल्लाह ताला हम मेरी कौम को और मेरी साफ़ी बरादरी को इस खौफ के बादलों से जो है ना महफूज रखे। नाज़रीन, मैं बिल्कुल हालातों वाक़यात आपके सामने रखूँगा। इसमें कोई शख्स ख्वाह वो मेरा बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक वाला ही क्यों ना हो, आप मेरी रिपोर्टिंग देखिएगा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं अपने नौजवानों को, ये तो मैसेज वो हो गया ना जो पब्लिकली मैंने आपको अपनी जो काबिलियत और तजर्बे की रोशनी में शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ भी एक इसका बड़ा ज़रूरी पहलू है, वो ये कि कौन सी ऐसी मुहरकात थी, कौन से ऐसे बैकफुट पे जो काम हुए हैं कि जिसकी वजह से हसनैन शाह को मौत की आगोश में जाना पड़ा, या इसके ऊपर हमला इतनी शिद्दत से किया गया कि इसको मौत जो है वो दी गई। ये सारी मुहरकात जो है ना मेरी नेशन और मेरे जर्नलिस्ट बरादरी के लिए जाननी और इनसे पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिपोर्टिंग ज़रूर करो, साथ गवर्नमेंट को और अदारों को उनकी रहनुमाई करो, आज खुद से हर प्रोग्राम के बाद अपनी राय दो कि अगर ये होता तो ये ना होता, अगर ये ना होता तो ये ना होता, अपनी राय देने की कोशिश करें। कोई बंदा भी अकले कुल नहीं होता। इसी तरह पुलिस अफसरान और हमारी जो टीमें हैं वो हरकत में आती हैं और वो शवाहद इकट्ठे करती हैं, और उनके लिए जो है ना मुलजम तक रसाई बहुत आसान हो जाती है। मैं नाज़रीन इंशाल्लाह ताला आप सबसे ये वादा करता हूँ, बल्कि अहद करता हूँ कि मैं टस से मस नहीं हूँगा। मैंने पोस्ट लगाई, मैंने अपने प्रोग्राम का रेफरेंडम किया, और आपने किस तरह से 99.9% मेरे हक में वोट दिया है, इस चीज़ ने मुझे दोबारा मुझे जिद्दत दी, मुझे कुव्वत दी, और मेरे अंदर हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाल दिया है। आप देखिएगा मैं किस कुव्वत के साथ बोलूंगा। और इंशाल्लाह ताला आज आपसे ये वादा कर रहा हूं कि हसनैन शाह के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचने तक इस केस का मैं मीडिया ट्रायल करूंगा, और डेली कोई ना कोई नई ऐसी बात को पेश रफ्त आपके साथ शेयर करूंगा जो उसके घर वालों के लिए बहुत ज्यादा खुश आइंद इकदाम होगा। और मेरी साफी बरादरी मेरी इस रिपोर्टिंग पर इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुझे सल्यूट पेश करेगी। मैं आप सब बच्चों के साथ जो है, आप अपने बुजुर्गों के साथ, अपने देखने वालों के साथ बारहा दफ़ा ये बातें करता हूँ कि यार मैं कतई तौर पे यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब की कमाई को हराम समझता हूँ, लेकिन अगर वो पैसे दे रहे हैं तो क्या ये मैं इन पैसों को जो है वो सड़क में फेंक दूँ? मैं इन पैसों के साथ किसी गरीब की मदद कर दूंगा, मैं इन पैसों के साथ कोई ऐसा रफाई काम करूंगा, कोई ऐसा ट्रस्ट को मैं ये पैसे दे दूंगा ताकि मेरी आखिरत जो है ना वो बड़ी रोशन, बड़ी खूबसूरत, मेरी मंजिल आसान हो जाए। मैं इंशाल्लाह ताला इस कमाई को जो है ना कतई तौर पे अपनी जात के ऊपर नहीं लगाऊंगा, ये मैं आपके साथ अहद करता हूँ। तीसरा नाज़रीन, ये मैं जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ आज मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं अपने बच्चों को जो है ना अच्छी दुनिया नहीं दे सका। महंगाई देख लें, हालात देख लें, सारा कुछ देख लें, ठीक है मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मैं बच्चों को एक रोशन और एक नया पाकिस्तान नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को अच्छे बच्चे देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी जद्दोजहद जो है ना इसी बात पे, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं लड़ रहा हूँ कि मैंने बच्चों को जो है ना इतनी अवेयरनेस दे देनी है, जरायम के बारे में उनको सारे हालात बता देने हैं ताकि मेरा बच्चा जुर्म करने से पहले किसी के हाथ में कठपुतली ना बन जाए। कोई बंदा इनको, नौजवानों को अपने इल्लीगल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल ना कर ले। देखें नाज़रीन, हिस्ट्री को पढ़कर देखें, ये जितने भी शूटर या इस तरह के क्रिमिनल्स जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, जिनको तैयार किया जाता है, इसकी पीछे क्या मुहरकात होती हैं? इन बच्चों को क्यों बहका के इनको, इनके पीछे कौन सी ऐसी जो चीज़ें होती हैं कि ये जो ताकतवर कुव्वतें होती हैं इनको आड़े हाथों ले लेती हैं और फिर इन बच्चों को अपने जायज़ और नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? नाज़रीन, चूंकि ये बड़ा एक हसास टॉपिक है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल केस में क्या फ़र्क है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और अखबारात थे, जो हम पढ़ते थे या जो टीवी पे दिखाया जाता हम उसको सच समझ लेते थे। आज वो हालात नहीं हैं। सोशल मीडिया ने हर बच्चे को इतनी अवेयरनेस दे दी है और इतना बड़ा इसका नेटवर्क है कि घर बैठे आपको हर खबर पहुँच जाती है।
मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वादा करता हूँ कि मैं इस जो हाई प्रोफाइल केस जो हसनैन शाह वाला है इसके ऊपर बिल्कुल सही हकायक आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। फैसला आप आवाम के हाथ है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल बेहतर करे, अपने बच्चों पर नज़र रखा करे। अल्लाह ताला हम सबके हामी और नासिर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।